टू पर सफर करते हुए हम पिंड दादन खान को क्रॉस करने के बाद हम पोठार रीजन में दाखिल हो रहे हैं और ये पहाड़ आपको नजर आ रहे होंगे जहाँ पर सॉल्ट माइंस और जितने भी हमारे मिनरल्स हैं इन सब की माइंस यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद जो है ना वो फिर इस्लामाबाद का चकवाल और फिर इस्लामाबाद का इलाका शुरू हो जाता है और आप देखें कि दुनिया भर के जो टूरिस्ट हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और ये अल्लाह पाक की तरफ से हमारे लिए वो गिफ्ट है जहाँ पर हर किस्म की मादनियात जो है वो मौजूद है। तो हम इस पर अभी चढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पर हमने बड़ा एहतियात करते हुए, बल्कि जो लोग भी इस पर सफ़र कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनको चाहिए कि जो भी यहाँ पर डायरेक्शन दी हुई है उनको फॉलो करें स्पीड लिमिट्स की और लाइन में रहते हुए अपने, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये एक व्यू है और इसके बाद एक बड़ा ही खूबसूरत किस्म का मुकाम आएगा कलर कहार। तो बेसिकली ये मशहूर है कलर कहार की पहाड़ियों के नाम से और ये सब पोठार रीजन में आता है। वो खजाना है यहाँ पर, खजाना हमारा जो केवड़ा की जो माइन है सबसे बड़ी सॉल्ट की, पिंक सॉल्ट जिसे कहते हैं हम, जो कि ज़्यादातर जो है वो एक्सपोर्ट होता है, वो भी यहाँ पर बहुत बड़ी वाफर मकदार, यानी कि कहते हैं कि सबसे बड़ी जो मकदार है वो यहाँ पर पाई जाती है। तो आप देखें ज़रा ये कुदरत का शाहकार, माशाल्लाह इसका कलर देखें, इन पहाड़ों के इन खूबसूरत पोठार रीजन के पहाड़ों की खूबसूरती ज़रा चेक करें, क्या बात है। अच्छा, इन पहाड़ों को अगर आप देखें तो ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं, पहाड़ियाँ टाइप की और फ्लैट भी है, तो इनको स्पेशली जो है ना प्लेटू कहते हैं, यानी कि पोठार प्लेटू। और कुदरत की तमाम जो मादनियात हैं, शायद कोई एक आध उसमें ना हो, सारी की सारी जो है ना इनकी तह में पाई जाती है और यहाँ मुख्तलिफ किस्म की माइंस है जहाँ से उनको निकाला जाता है, उसमें जिप्सम है, पोटेशियम है। केवड़ा की जो केवड़ा नमक की जो कान है वो मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे बड़ी माइन है जहाँ पर जो है ना बड़ा आला किस्म का पिंक सॉल्ट निकाला जाता है, वो भी यहीं पर मौजूद है। और यहाँ पर जो है ना चूना जिसे के लाइमस्टोन कहते हैं उसकी भी बहुत बड़ी वाफर मकदार यहाँ पर मौजूद है। तो ये अल्लाह पाक की तरफ से हमारे लिए एक बहुत ही एक ट्रेजर है, ख़जाना है जिसे कहते हैं ख़जाना। ये वो ख़जाने हैं कि जो बहुत ही कम और नायाब है और अल्लाह पाक ने जो है ना हमें इन सब नेमतों से नवाजा हुआ है। सामने का व्यू चेक करें ज़रा, वो जो दो
पहाड़ों के बीच में एक खूबसूरत सा ब्रिज आपको नजर आ रहा है। तो फाइनली जनाब हम अपनी मंजिल मकसूद इस्लामाबाद तक पहुंच ही गए। जो हमने ट्रिप शुरू किया था कराची से लेकर इस्लामाबाद तक, और उस पर हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा पे, जो कि हमने अदा कर दिया। हम कल निकले थे तकरीबन 3 बजे और आज हम तकरीबन कोई 11 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं। तो तकरीबन कोई 20 घंटे में हम इस्लामाबाद पहुँचे हैं। नॉर्मली ये सफ़र वैसे 18 घंटे का है, लेकिन मैंने एक दो जगह स्टे किया क्योंकि मैं अकेला ड्राइव कर रहा था, तो इस वजह से मुझे मजबूरन कुछ जगह पे स्टे करना पड़ा, वरना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन खैर, अल्लाह पाक का बड़ा लाख लाख शुक्र एहसान है कि मैं इस्लामाबाद पहुंच गया हूं और ये ट्रिप हमारा कम्प्लीट हो गया है। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट जो हम अपना टूर प्लान करेंगे, इस्लामाबाद को एक्सप्लोर करेंगे, इस्लामाबाद के अलावा रावलपिंडी जो एक तारीखी शहर है उसको एक्सप्लोर करेंगे, और मज़ीद ये सफ़र जो है ना हमारा KPK तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। तो उम्मीद है कि आज का और ये जो सफ़र का जो व्लॉग है ये आपको पसंद आएगा। एंजॉय कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।